हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि हम लोग पीएम किसान योजना में बैंक अकाउंट नंबर कैसे चेंज करेंगे, किस प्रकार से चेंज करना है। हम इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाले हैं दोस्तों, तो किस प्रकार से करना है आप लोग वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, तब जा करके आप लोगों को समझ में आएगा। अभी पीएम किसान योजना में किस बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है वो भी हम आपको बता देंगे, और किस प्रकार से चेंज करना है वो भी हम बताएंगे। तो चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। चलिए, हम यहाँ ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्च बार में टाइप करेंगे DBT भारत लिख करके सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे DBT भारत लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट का वेबसाइट है दोस्तों। इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऊपर में देखिए 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर आप लोग टिकआउट लगा लीजिएगा। अगर इस पर टिकआउट नहीं लगा रहेगा तो आपसे नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर टिकट लगा लिए हुए, और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक किए हैं, देखिए कुछ ऑप्शन नीचे में खुल गया है। हम यहाँ पे आधार UIDAI लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए सिटीजन कॉर्नर पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर खुल करके आ गया है। यहाँ पे देखिए सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देंगे चौथे नंबर पर। चलिए, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आधार कार्ड के वेबसाइट पर यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया है, और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ जो लॉगिन का बटन दिख रहा है, इस पर लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे हम इस पर लॉगिन पर क्लिक किए, देखिए इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ गया है। ऊपर में आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है, और यहाँ पे कैप्चा जो दिख रहा है दाहिने साइड में, हम बायां साइड में यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, और यहाँ पे लॉगिन विथ OTP पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लॉगिन विथ OTP पे क्लिक किए हैं, OTP आ गया है। आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहता है उसी मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। नीचे में हम यहाँ पर OTP डाल लिए हैं, और यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे OTP डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाए, और यहाँ पे हम आधार कार्ड के वेबसाइट में हम यहाँ पे लॉगिन हो गए। ऊपर में देखिए यहाँ पे फोटो मेरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा हम नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए बैंक सीडिंग स्टेटस लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक किए हैं, देखिए यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। ऊपर में देख सकते हैं 4 अंक लास्ट का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपके कौन सा बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक है, आधार NPCI DBT जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पे देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिखा हुआ है, यानी कि हमारा DBT आधार लिंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है। हमारा जितना भी किसान का पैसा आया है इसी बैंक अकाउंट में आया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पे एक्टिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और कब मेरा इसमें अप टू डेट किया गया था, यहाँ पे देखिए लास्ट अप टू डेट 13/3/2020 को यहाँ पे, यानी कि हमारा DBT आधार लिंक 13/3/2020 को हुआ था। तब से यहाँ पे मेरा जो किसान का पैसा है इसी बैंक अकाउंट में आ रहा है। अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो किस प्रकार से करना है बैंक अकाउंट चेंज PM किसान योजना का, तो सबसे पहले फिर से हम वहाँ पे DBT भारत के जगह पे आ जाते हैं, उसी वेबसाइट पर बैक हो जाते हैं। तो हम फिर से इसी वेबसाइट पर आ गए हैं। फिर से हम यहाँ पे DBT भारत पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फिर से हम वही डॉक्यूमेंट पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं आधार UIDAI लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद से फिर से हम यहाँ पर सिटीजन कॉर्नर पर फिर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद से यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड ऑन आधार सीडिंग ऑन NPCI मैप पर लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक किए हैं, देखिए यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है, इस पर हम यहाँ पर डाउनलोड लॉगिन पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और डाउनलोड यहाँ पे हो गया है। और नीचे हम आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देख फॉर्म को आपको यहाँ पर प्रिंट आउट निकालना होगा। इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, और इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको इस फॉर्म को भर लेना है सही सही। इसमें आपका ब्रांच का नाम, यहाँ पे बैंक का नाम, और यहाँ पे डेट डालना है। उसके बाद से यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर को होल्डर का यहाँ पे नाम डालना है, और उसके बाद से यहाँ पे जो भी डिटेल्स मांग रहा है वो डिटेल्स आपको भर करके यहाँ पे साइन करके
आपको बैंक में जमा करना होगा। जो भी बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं उस बैंक में इस फॉर्म को आपको जमा करना होगा, तब जाकर के आधार NPCI DBT लिंक किया जाएगा उस बैंक में, तब जाकर के ऑटोमेटिक PM किसान योजना में आपका ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, PM किसान योजना के वेबसाइट पर हम लोगों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे आधार NPCI लिंक जो होता है दूसरे बैंक में हम लोग करवा सकते हैं, और उस बैंक में ऑटोमेटिक आधार NPCI लिंक हो जाएगा, तब जाकर के PM किसान योजना में ऑटोमेटिक आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है दोस्तों, हमने ऐसा किया है तब जाकर के हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं दोस्तों। हमारा पैसा जो बैंक अकाउंट में ज़्यादा था वो था बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद से हम आधार NPCI इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में करवाए, उसके बाद से ऑटोमेटिक PM किसान योजना में बैंक अकाउंट चेंज हो गया, यानी कि DBT आधार लिंक करवाए उसके बाद से ऑटोमेटिक वहां पे चेंज हो गया और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पैसा आना शुरू हो गया है। हम ऐसा एक आदमी को हम करवाए हैं, तब जाकर के हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग यही प्रोसेस अपनाइएगा। अगर आपके पास एक अकाउंट है उसमें PM किसान योजना का पैसा जा रहा है, अगर आप लोग दूसरा अकाउंट देना चाहते हैं तो आप लोग नया अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें आधार NPCI लिंक करवा करके रख सकते हैं, ऑटोमेटिक PM किसान योजना का बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग DBT आधार लिंक कीजिएगा जिस बैंक में, ऑटोमेटिक आपको PM किसान योजना में बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। हमें आशा है कि वीडियो देख करके आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से PM किसान योजना में बैंक अकाउंट चेंज किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि किसी प्रकार का कोई भी वीडियो आलो तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। वीडियो देखने के बाद मन में कोई भी डाउट हो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।